सो हे देयर पोके फैंस, कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ बढ़िया और तुम लोग देख रहे हो पोके ज्ञान XYZ। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में अकॉर्डिंग टू हीज और हर बेस स्टैट। जैसे कि तुम एग्जांपल मान लो कि वाटर टाइप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है गॉड पोकेमॉन मैजिकार्प। एंड ऐसे ही हम पोकेमॉन वर्ल्ड के हर एक टाइप का हर एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप पोकेमॉन को ढूंढ निकालेंगे अकॉर्डिंग टू हिज बेस स्टैट। सो सिंपल सी बात है, अगर बेस स्टैट की बात हो रही है तो लिस्ट में ज़्यादातर लेजेंडरी, मिथिकल एंड मेगा पोकेमॉन ही होंगे। एंड इस बात के साथ ही वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो अब बिना कोई देरी के लेट्स बिगिन। तो अगर बात करें नॉर्मल टाइप पोकेमॉन की, तो नॉर्मल टाइप में गॉड पोकेमॉन RCS सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो देखो RCS के पास तो हर एक टाइप का पार है, लेकिन RCS का जो मेन टाइप है वो है नॉर्मल टाइप। एंड इसीलिए मैंने RCS को नॉर्मल टाइप के अंदर ही लिया है। सो ये तो बात रही मिथिकल पोकेमॉन की। तो अगर हम नॉन लेजेंडरी को देखें तो नॉन लेजेंडरी के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है स्लेकिंग। सो अब बात करते हैं पॉइजन टाइप पोकेमॉन की। तो पॉइजन टाइप पोकेमॉन के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इटर्नेटस। या इटर्नेटस एक पॉइजन एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जिसे जिनेशन 8 यानी गलार में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इसका बेस स्टैट है 619। एंड यहाँ रेगुलर इटर्नेटस की बात हो रही है। और अगर हम बात करें इटर्नामैक्स इटर्नेटस की, तो इटर्नामैक्स इटर्नेटस का बेस स्टैट जो है वो सारे पोकेमॉन से ज़्यादा है। सो यहाँ इसलिए मैंने रेगुलर इटर्नेटस को ही इस लिस्ट में रखा है। सो अब बात करते हैं साइकिक टाइप पोकेमॉन्स की। तो साइकिक टाइप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है मेगा म्यूटू एक्स एंड वाई। तो ऑब्वियसली म्यूटू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक पोकेमॉन है। म्यूटू की पॉपुलैरिटी भी बहुत ही हाई है। एंड इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए म्यूटू का मेगा फॉर्म भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। एंड इन दोनों का टोटल बेस स्टैट है 780। एंड ऑब्वियसली इन दोनों को मिलाकर ये सबसे ज़्यादा बेस्ट साइकिक टाइप पोकेमॉन। सो अब बात करते हैं ग्रास टाइप पोकेमॉन्स की। तो ग्रास टाइप पोकेमॉन के अंदर मेगा सेप्टाइल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसका बेस स्टैट है 630। या इस लिस्ट में एक स्टार्टर पोकेमॉन को देखना सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। लेकिन बिलीव मी, कोई भी ऐसा मिथिकल एंड लेजेंडरी ग्रास टाइप पोकेमॉन नहीं है जिसका बेस स्टैट इसके जैसा हो। लेकिन मेगा वेनोसॉर भी इससे कुछ कम नहीं है, क्योंकि मेगा वेनोसॉर का बेस स्टैट है 625। सो अब बात करते हैं ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स की। तो ग्राउंड टाइप पोकेमॉन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है प्राइमल ग्राउडॉन। तो या प्राइमल ग्राउडॉन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विथ हिज टोटल बेस स्टैट 770। एंड तुम सबको पता ही है कि वेन के वेदर टायो का हर एक मेंबर कितना ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ग्राउडॉन भी इनसे कम नहीं है। सो अगर बात करें रॉक टाइप पोकेमॉन्स की, तो रॉक टाइप पोकेमॉन में दो पोकेमॉन इस लिस्ट में जगह बनाता है, जो कि है मेगा डायनशी एंड मेगा टायरेंटर। एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट पोकेमॉन है तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोकेमॉन है। दोनों का टोटल बेस स्टैट है 700। सो अगर बात करूँ बेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन की, तो इस लिस्ट में नंबर 1 के स्पॉट पर जो होगा वो है मेगा रेक्वेजा। तो मेगा रेक्वेजा के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड ये जेनरेशन 3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये वेदर ट्रायो का एक मेंबर है एंड शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी है। सो अगर बात करूँ बेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन की, तो आई एम सॉरी, क्योंकि इस लिस्ट में एस का पिकाचू नहीं बल्कि जेक्रॉम है जिसका टोटल बेस स्टैट 680 है। हाँ, इस लिस्ट में बाकी जितने भी लेजेंडरी पोकेमॉन है उसमें से इसका बेस स्टैट सच में काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन क्या करे, इलेक्ट्रिक टाइप में यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। सो बस यार, आज की वीडियो यही तक रखते हैं एंड इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। सो तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड सायोनारा।